See what the question says. Rectification of error of principles. जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स. एक तो होता है एरर ऑफ ओमिशन, जिसमें पूरा ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हैं. दूसरा होता है एरर ऑफ कमीशन, जिसमें रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट हो जाती है, या तो कैलकुलेशन का टोटलिंग का प्रॉब्लम हो जाता है. तो वो सारे एरर ऑफ कमीशन है. फिर बताया एरर ऑफ प्रिंसिपल. एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बता दिया. जैसे कि मशीनरी खरीदा है तो मशीनरी परचेस इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको आप परचेस अकाउंट में डेबिट कर देते हो. मतलब आपने गुड्स परचेस किया ऐसा बता दिया. तो दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बता दिया, या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बता दिया, या तो रेवेन्यू रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट बता देते हो, या तो कैपिटल रिसिप्ट को रेवेन्यू रिसिप्ट बता दिया जाता है. डेबिट क्रेडिट के रूल्स हम सही से फॉलो नहीं करते, तो वो सारी एरर ऑफ प्रिंसिपल्स है. और लास्ट मैंने बताया था आपको कंपेंसेटिंग एरर. कंपेंसेटिंग एरर में क्या होता है, एक डेबिट एरर किया, दूसरा क्रेडिट एरर किया, दोनों का अमाउंट सेम है तो उसको कंपेंसेटिंग एरर कहेंगे. एक एरर दूसरी एरर से कंपेंसेट हो जाती है. वी आर राइट नाउ टेकिंग द एक्सरसाइज ऑन एरर ऑफ प्रिंसिपल. चलो देखते हैं. फर्स्ट वन, अमाउंट ऑफ रुपीज 4,000 स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी रॉन्गली डेबिटेड टू वेजिस अकाउंट. मशीन खरीदा था, उस मशीन को इंस्टॉल करने के 4,000 रुपये पे किए थे. जब भी आप नया प्लांट मशीन खरीदते हो तो उसको फैक्ट्री में इंस्टॉल करना पड़ता है, तो उसके जो इंस्टॉलेशन के चार्जेस है वो 4,000 रुपये हमने पे किए थे. वर्कर्स को दिए होंगे. अब इसमें रूल ऐसा है कि जब भी आप कोई असेट खरीदते हो तो असेट के खरीदने के बाद उसके साथ जो भी एक्सपेंसेस जुड़े हुए हैं वो सारे एक्सपेंसेस उस असेट की कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा. तो मान लो आपने मशीनरी खरीदा है 50,000 का, और 50,000 के मशीन के पीछे आपका 4,000 इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस हुआ, तो आपका मशीन का कॉस्ट हो जाएगा 54,000. तो आपको क्या करना चाहिए, इंस्टॉलेशन के एक्सपेंस को मशीन अकाउंट में डेबिट करना चाहिए, बिकॉज इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब हमने गलती से क्या कर दिया है, हमने गलती से इसको वेजिस अकाउंट में डेबिट कर दिया है. तो मैंने अभी आपको बताया रेक्टिफिकेशन का रूल, अगर गलत डेबिट हो गया है तो उसको क्रेडिट कर दो, और अगर गलत क्रेडिट हो गया है तो उसको डेबिट कर दो. जो गलत हुआ है उसकी रिवर्स इफेक्ट दे दो पहले तो, और जो सही है उसका सही इफेक्ट दो. तो सबसे पहले तो 4,000 रुपीज पे किया मशीनरी के इंस्टॉलेशन में, तो सही क्या है, करेक्ट चीज क्या है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए. तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 4,000 कर देंगे, और वेजिस गलती से डेबिट हो चुका है उसको हम क्रेडिट कर देंगे. तो हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगा मशीनरी अकाउंट डेबिट 4,000 टू वेजिस. तो फर्स्ट का आंसर आपका होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजिस 4,000. यू कैन सी द फर्स्ट आंसर गिवन हियर, मशीनरी अकाउंट डेबिट 4,000 टू वेजिस अकाउंट 4,000 बीइंग अमाउंट स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी रॉन्गली डेबिटेड टू वेजिस अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड. ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, मशीनरी परचेस करते हो, उसके साथ जितने भी एक्सपेंसेस जुड़े हुए हैं मशीनरी परचेस के साथ, इंस्टॉलेशन के साथ, वो सारे उसकी कॉस्ट में ऐड हो गए, इसलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए. गलती से उन्होंने वेजिस अकाउंट को डेबिट कर दिया है, तो हमने इसको एरर को रेक्टिफाई इस तरीके से किया, वेजिस गलती से डेबिट हो गया था तो उसको क्रेडिट कर दो, और मशीनरी को डेबिट कर देना है. तो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगा मशीनरी अकाउंट डेबिट 4,000 टू वेजिस अकाउंट. तो यहां पे एरर क्या थी,
कैपिटल एक्सपेंडिचर जो था मशीनरी के परचेस का, उसको हमने वेजेस में डाल दिया, मतलब उसको हमने रेवेन्यू रेगुलर एक्सपेंडिचर में ले लिया, तो दैट वाज द एरर। चलो सेकंड देखते हैं, परचेस ऑफ मोटर व्हीकल फॉर प्राइवेट यूज ₹50,000 रॉन्गली डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। देखो खरीदा क्या है, व्हीकल खरीदा है, तो एक असेट हो गई, एक एसेट खरीदी है आपने, ये कोई गुड्स नहीं है, आपने एक एसेट खरीदा हुआ है। जब आप गुड्स खरीदते हो तो परचेस अकाउंट डेबिट होता है, पर जब आप कोई एसेट खरीदते हो तो असेट अकाउंट डेबिट होगा। तो यहां पे हुआ क्या है, यहां पे भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बता दिया है, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बता दिया है। सही एंट्री होना चाहिए मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000। अब इन्होंने क्या कर दिया होगा, इन्होंने परचेस डेबिट कर दिया है, परचेस अकाउंट टू बैंक लिख दिया होगा। तो इस एरर को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, वही रूल आपको याद रखना है, अगर कुछ गलत डेबिट हो गया है तो उसको क्रेडिट कर दो। तो चलो परचेस अकाउंट गलती से डेबिट हो गया है तो उसको क्रेडिट कर दो, तो डेबिट क्या करेंगे, मोटर व्हीकल। तो आपका एंट्री क्या बनेगा, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट 50,000 टू परचेस 50,000, सीधा आंसर। अच्छा यहां पे लिखा है ड्रॉइंग अकाउंट टू परचेस, परचेस तो क्रेडिट करना ही है, अब ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट क्यों किया है वो भी समझ लेते हैं, कुछ पढ़ने में रह गया बाकी। परचेस ऑफ मोटर व्हीकल फॉर प्राइवेट यूज, यस दिस थिंग आई इग्नोर्ड। यहां पे आपको ऐसा बोला हुआ है कि आपने मोटर व्हीकल खरीदा है प्राइवेट यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, और जब भी कोई चीज पर्सनल यूज के लिए आप खरीदोगे तो वो आपका ड्राइंग हो जाएगा, पर्सनल एक्सपेंस हो जाएगा, बिजनेस का एक्सपेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्राइवेट यूज लिखा हुआ है, वो मैंने देखा नहीं, तो होगा क्या, यहाँ पे प्राइवेट यूज है इसलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि जब भी आप कोई पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस से पे करते हो तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा। तो सही आंसर होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस। चलो इस दो में कोई आपको डाउट है, किसी को डाउट है तो आप मुझे पूछो प्लीज, एनी डाउट इन दिस टू। एनी डाउट इन दिस फर्स्ट टू ट्रांजेक्शन, ओके गुड। नाउ सी द थर्ड वन, थर्ड ट्रांजेक्शन सेज ₹10,000 रिसीव्ड फ्रॉम हरी क्रेडिटेड टू हैरीज अकाउंट। अब देखो हमें ₹10,000 हरी से मिला था, तो सबसे पहले तो इसका सही एंट्री क्या होगा, तो इसका करेक्ट एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू हरी, कैश कम्स इन द बिजनेस, कैश अकाउंट को डेबिट करना है, देने वाला कौन है, तो देने वाला हरी है, तो टू हरी अकाउंट आना चाहिए, ये सही आंसर है। अब गलती क्या हो गई है, गलती क्या कर दी है, कैश अकाउंट तो डेबिट ही किया है ये लोगों ने, कैश तो अकाउंट ने डेबिट किया है, पर हरी की जगह पे हैरी हो गया है, टू हैरी अकाउंट हो गया है। क्या करेंगे, तो वही हमारा रूल है, जो सही है वो कर दो, गलत है उसकी रिवर्स इफेक्ट दे दो। तो अब रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे आएगी, देखो कैश अकाउंट तो डेबिट ही किया होगा, कैश के बारे में कुछ बोला नहीं है,
दे हैव जस्ट इन्फॉर्म अस अबाउट हरी एंड हैरी, सो वी आर कंसर्न हियर ओनली विद हैरी एंड हरी. वी हैव नॉट टू टच कैश बिकॉज नथिंग इज सेड अबाउट द कैश. क्या करोगे, जो सही है उसकी सही इफेक्ट दे दो और जो रॉन्ग इफेक्ट दिया है उसका रिवर्स इफेक्ट दे देना है. तो गलती से हैरी का अकाउंट क्रेडिट हो गया है, हम क्या करेंगे, हैरी को कर देंगे डेबिट. हैरी गलती से क्रेडिट हो गया तो हैरी को आप कर दोगे डेबिट. तो ये इफेक्ट रेक्टिफाई हो गई. और जो सही है वो लिख दो, सही क्या होगा, तो हरी अकाउंट. ये आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगा फॉर दिस हैरी टू हरी. लेट अस सी द सॉल्यूशन. तो थर्ड का सॉल्यूशन आप देख सकते हो, हैरी अकाउंट टू हरी अकाउंट बताया हुआ है, हैरी अकाउंट डेबिट टू हरीस अकाउंट. सो इन दिस वे यू हैव टू रेक्टिफाई एरर. रूल्स आपको याद रखना है, जो सही इफेक्ट है वो आपको दे देनी है और जो गलत इफेक्ट दिया है उन्होंने उनका रिवर्स इफेक्ट दे देना है. लेट अस सी द नेक्स्ट वन. रुपीज 5,000 अमाउंट ऑफ वेजेस रॉन्गली डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट. पे किया था वेजेस 5,000 और गलती से सैलरी अकाउंट डेबिट कर दिया है. जब भी कोई एक्सपेंस पे करते हो तो एक्सपेंस डेबिट होता है. वेजेस पे करोगे तो वेजेस डेबिट होगा, सैलरी पे करोगे तो सैलरीज डेबिट होगा. बिकॉज रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसिस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. सो दीज आर द एक्सपेंसिस, सो वी हैव टू डेबिट. बट गलती क्या हो गया है, वेजेस डेबिट करने के जगह पे सैलरी डेबिट हो गया है. तो सिंपल आंसर है, जो गलत हुआ है उसकी रिवर्स इफेक्ट दे दो, सैलरी को डेबिट किया है तो क्रेडिट कर दो और जो सही है वो करना है, वेजेस को डेबिट करना है. तो आंसर क्या आएगा, वेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सैलरी क्रेडिट हो जाएगा. तो इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगा वेजेस टू सैलरीज. यू कैन सी द आंसर फोर्थ, वेजेस अकाउंट डेबिट 5,000 टू सैलरीज 5,000. दिस इज अबाउट फोर्थ. नाउ द लास्ट वन, फिफ्थ वन. देखो हमने इसमें सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स लिए जिसमें एरर ऑफ प्रिंसिपल है, जिसमें कैपिटल ट्रांजेक्शन को रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स बता दिए है, कुछ रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स को कैपिटल ट्रांजेक्शन्स बता दिया है. सो दे आर ऑल एरर ऑफ प्रिंसिपल. सी द लास्ट वन, परचेस ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट 60,000 रॉन्गली एंटर्ड इन द परचेस अकाउंट. आपने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है तो जब भी ऑफिस इक्विपमेंट खरीदोगे तो डेबिट करना है ऑफिस इक्विपमेंट को. तो सही आंसर होगा ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट. ये सही है. और आपने 60,000 मान लो चेक से पे किया है, कुछ बोला नहीं है, तो आप कुछ भी समझ सकते हो, टू बैंक बड़ी अमाउंट है तो चेक ही होगा, तो बैंक से हमने दिया है, ये करेक्ट एंट्री है. अब गलत क्या हो गया है, रॉन्गली एंटर्ड इन द परचेस अकाउंट, दैट मीन्स दे हैव रिटर्न द परचेस अकाउंट डेबिट. परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिया होगा और टू बैंक लिख दिया होगा, ये गलत कर दिया है. यहां पे भी क्या एरर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बता दिया. अगर आप कोई गुड्स खरीदते हो आपके बिजनेस के लिए तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वहां परचेस अकाउंट डेबिट होगा. पर जब आप कोई असेट खरीदते हो आपके बिजनेस के लिए तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है. तो ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट होना चाहिए, बट दे हैव डेबिटेड परचेस अकाउंट. अब हम इसको रेक्टिफाई करेंगे, क्या करेंगे, जो सही अकाउंट डेबिट करना है उसको डेबिट करो, तो ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट कर देंगे.
और जो अकाउंट गलती से डेबिट हो गया है उसको क्रेडिट कर दो। तो परचेस अकाउंट गलती से डेबिट हो गया है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो आंसर क्या बनेगा आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री का? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस 60,000। सो आंसर वुड बी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस 60,000। दिस इज योर लास्ट आंसर, ऑफिस इक्विपमेंट टू परचेस 60,000। चलो इसी तरह के कुछ और ट्रांजेक्शन ले लेते हैं। देखो अभी हम कौन से टॉपिक पर है? राइट नाउ वी आर ऑन द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। उसमें मैंने बताया एरर को रेक्टिफाई आप ट्रायल बैलेंस के बनाने के पहले कर सकते हो, और दूसरा है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद कर सकते हो। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? राइट नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले जो एरर से उसको हम रेक्टिफाई करना सीख रहे हैं। उसमें भी दो तरह का एरर होता है, वन साइडेड एरर एंड टू साइडेड एरर। तो दोनों एरर्स के हम एक्सरसाइज अभी कवर कर रहे हैं। उसमें चार तरह का एरर्स आएगा, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपेंसेटिंग एरर। तो चलो देखते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग कहाँ पे होता है? लेजर में। एक बार जर्नल एंट्रीज लिख बनाने के बाद या तो सब्सिडरी बुक्स बना देने के बाद हम उसको लेजर में पोस्टिंग करते हैं। सारे अकाउंट्स बनाते हैं और उस अकाउंट में उसको पोस्ट किया जाता है। तो नाउ वी आर सीइंग सम ट्रांजेक्शंस इन विच एरर इज मेड इन द पोस्टिंग। गलत अकाउंट में लिख दिया या तो गलत अमाउंट लिख दिया। एंड दिस टाइप ऑफ एरर आर नोन एज एरर ऑफ कमीशन। सी द फर्स्ट वन, क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹7,000 वर पोस्टेड टू करण। हमने सेल किया है मोहन को 7,000 का। अब आप उसकी एंट्री सोचो, जर्नल एंट्री सोचो, सही एंट्री क्या होनी चाहिए? तो मोहन को सेल्स किया है तो सही एंट्री होनी चाहिए मोहन टू सेल्स। ये आपका सही आंसर है। अब हुआ क्या है? वर पोस्टेड टू करण, तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने इस तरीके से किया होगा, करण को डेबिट कर दिया होगा। करंट डेबिट टू सेल्स। एंट्री में मिस्टेक नहीं है, पोस्टिंग में मिस्टेक है, इस तरीके से समझ लिया होगा। सही होना चाहिए मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, पर अब गलती से करंट के अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। मतलब क्या हो गया? करंट टू सेल्स हो गया। क्या बताया था मैंने? जो गलत हुआ है उसकी रिवर्स इफेक्ट दे दो और जो सही है उसकी वही इफेक्ट दो। तो यहां पे हम क्या करेंगे? करण को जो गलती से डेबिट कर दिया है उसको क्रेडिट कर देंगे और मोहन तो एज इट इज डेबिट ही रहेगा। तो आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री यहां पे बनेगा मोहन टू करण, मोहन अकाउंट डेबिट टू करण अकाउंट 7,000। मोहन को डेबिट इसलिए करना है क्योंकि वो डेबिट नहीं हुआ था, और करण को इसलिए हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो गलती से डेबिट हो गया होगा। तो योर आंसर वुड बी मोहन अकाउंट डेबिट टू करण 7,000। सो दिस इज योर एरर ऑफ पोस्टिंग, जिसको एरर ऑफ कमीशन भी कहा जाता है, जिसमें गलत अकाउंट में गलत अमाउंट से या तो सही अमाउंट से पोस्टिंग हो जाता है। तो यहां पे अमाउंट का प्रॉब्लम नहीं है,
प्रॉब्लम नेम का है, अकाउंटेंट ने जल्दी जल्दी से मोहन की जगह के करंट अकाउंट कर दिया है डेबिट। चलो सेकंड ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन 9,000 वर पोस्टेड टू गोविंद। अब देखो यहां पे हमने गुड्स परचेस किया है रोहन से, और जब भी आप गुड्स परचेस करोगे तो आपकी जो जर्नल एंट्रीज बनेगी उसमें परचेस अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा परचेस अकाउंट डेबिट। परचेस अकाउंट को आप डेबिट करोगे। और जिससे उधार खरीदा है उस क्रेडिटर को क्रेडिट करना है, बिकॉज इज द गिवर ऑफ गुड्स, तो हमें लिखना चाहिए टू रोहन। ये आपका सही एंट्री बनेगा, परचेस टू रोहन। गलत क्या हो गया है? क्रेडिट परचेस फ्रॉम रोहन वर पोस्टेड टू गोविंद, मतलब उन्होंने गलती कर दी है रोहन में। ये रोहन को क्रेडिट करने की जगह पे, रोहन की जगह पे गलती से उन्होंने किसका नाम लिख दिया है? सो दे हैव रिटन द नेम ऑफ गोविंद, टू गोविंद हो गया होगा, जो गलत है। कैसे करेगी इसको रेक्टिफाई? तो सही है उसको करना है, और जो गलत हुआ है उसका रिवर्स इफेक्ट दे देना है। परचेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परचेस अकाउंट तो डेबिट ही है, प्रॉब्लम रोहन और गोविंद में है। तो इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? गोविंद जो गलती से क्रेडिट हो गया है उसको डेबिट कर दो। तो एंट्री बनेगी गोविंद अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट, गोविंद टू रोहन, ये आपका आंसर रहेगा। लेट अस सी द आंसर। गोविंद अकाउंट डेबिट होना चाहिए, रोहन को क्रेडिट करेंगे, गोविंद टू रोहन। यू कैन सी द सेकंड आंसर, गोविंद अकाउंट डेबिट 9,000 टू रोहन 9,000। थर्ड वन, तो आप देख सकते हो यहां पे पोस्टिंग का एरर हो रहा है, गलत अकाउंट में अमाउंट पोस्ट कर दी गई है। जैसे कि ऊपर के दो ट्रांजेक्शन में आपने देखा मोहन की जगह पे करण के अकाउंट में पोस्टिंग हो गया, रोहन की जगह पे गोविंद के अकाउंट में पोस्टिंग हो गया। नाउ सी द थर्ड वन, गुड्स रिटर्न टू राकेश 4,000 वर पोस्टेड टू नरेश। यहां पे भी कुछ ऐसा ही है, हमने माल खरीदा फिर उस माल को वापस भेज दिया, कुछ डिफेक्टिव गुड्स होगा तो उसको हमने रिटर्न कर दिया, मतलब ये परचेस रिटर्न है, गुड्स रिटर्न टू राकेश। तो राकेश को हमने गुड्स रिटर्न किया है, तो उसकी सबसे पहले तो एंट्री की बात करें, सही एंट्री क्या होगी? तो हमने राकेश को रिटर्न किया है, तो एंट्री बनेगा राकेश टू परचेस रिटर्न। राकेश को आप डेबिट करोगे टू परचेस रिटर्न। ये आपका सही आंसर है। मिस्टेक क्या कर दी है? राकेश की जगह पे नरेश के अकाउंट में हो गया है, तो नरेश अकाउंट को डेबिट कर दिया है टू परचेस रिटर्न। क्या करेगी इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए? हमारा वही रूल रहेगा, जो सही है उसको सही इफेक्ट दे दो। तो राकेश को तो हम डेबिट करेंगे ही, अभी लोगों ने गलती से नरेश को डेबिट कर दिया है, नरेश के अकाउंट में लिखा है, मतलब नरेश के अकाउंट में डेबिट साइड लिखा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको नरेश को डेबिट किया है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए नरेश को क्रेडिट कर देंगे। तो अब आपकी इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी
क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी? राकेश टू नरेश, राकेश अकाउंट डेबिट होगा जो सही है, और नरेश जो गलती से डेबिट हो गया था पोस्टिंग के टाइम पे उसको क्रेडिट कर दोगे, तो राकेश टू नरेश आपका आंसर होना चाहिए। सीधा आंसर राकेश टू नरेश 4000, बीइंग गुड्स रिटर्न टू राकेश वर रॉन्गली पोस्टेड टू नरेश अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। फोर्थ वन, गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश ₹1000 वर पोस्टेड टू मनीष। हमने सेल्स किया होगा तो उसमें से 1000 का गुड्स सेल किया हुआ वापस आया, ये सेल्स रिटर्न है, महेश ने रिटर्न किया था हमको, तो महेश के अकाउंट में सेल्स रिटर्न का पोस्टिंग होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द मिस्टेक? दे हैव पोस्टेड टू मनीष, महेश की जगह पे मनीष के अकाउंट में कर दिया पोस्टिंग। तो सबसे पहले तो सही एंट्री क्या होगी वो मैं बता देता हूं आपको, रॉन्ग एंट्री क्या किया है, रॉन्ग क्या इफेक्ट दिया है वो समझ लेते हैं, बाद में रेक्टिफिकेशन। तो गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश, तो ये सेल्स रिटर्न है, तो इसका एंट्री बनेगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा, और देने वाला कौन है? महेश, तो टू महेश अकाउंट। ये होगा सही एंट्री और महेश के अकाउंट में पोस्टिंग होना चाहिए। गलत क्या हो गया है? महेश की जगह पे मनीष हो गया है, तो दे मस्ट हैव रिटर्न सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनीष, ये एंट्री बन गई होगी गलत जगह पे पोस्टिंग कर देने के वजह से, ऐसा इफेक्ट हो गया होगा जो गलत है। रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे? सेल्स रिटर्न को टच नहीं करना है क्योंकि सेल्स रिटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम महेश और मनीष में है। तो महेश को क्रेडिट करना है वो तो करेंगे ही, पर ये जो गलती से मनीष क्रेडिट हो गया है उसको डेबिट कर दो, तो आपका आंसर क्या होगा? मनीष अकाउंट को डेबिट कर दो तो उसकी एरर रेक्टिफाई हो जाएगी, और जो सही है वो कर दो टू महेश, तो आंसर बनेगा मनीष अकाउंट टू महेश अकाउंट, ये आपका रेक्टिफिकेशन का आंसर बनेगा, फाइनल आंसर मनीष टू महेश। व्हाट वी डिड? महेश वॉज टू बी क्रेडिटेड, जो क्रेडिट कर दिया, एंड मनीष वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड, वी डेबिटेड हिम टू रेक्टिफाई द एरर। लेट अस सी द आंसर, मनीष टू महेश आंसर होना चाहिए इसका। यस, द आंसर इज मनीष अकाउंट डेबिट टू महेश 1000। नाउ द लास्ट ट्रांजेक्शन, कैश सेल्स ₹2000 वर पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट। 2000 का कैश सेल्स किया था, गलती से कमीशन बता दिया उसको, सेल्स को कमीशन बता दिया। इट इज इनकम फ्रॉम सेल्स बट दे हैव रिटन इनकम फ्रॉम कमीशन, सही क्या होना चाहिए? कैश सेल्स है तो सही होगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट होगा 2000 से, और ये सेल्स है तो आपको लिखना पड़ेगा टू सेल्स अकाउंट, सेल्स इज वन टाइप ऑफ इनकम एंड ऑल इनकम आर क्रेडिटेड, ये सही आंसर है। रॉन्ग क्या हो गया है? तो रॉन्ग इफेक्ट उन्होंने क्या दे दी है, रॉन्ग में उन्होंने ऐसा किया है, कैश अकाउंट तो डेबिट किया ही होगा, सेल्स की जगह पे कमीशन लिख दिया है, कमीशन अकाउंट ये गलती कर दी, कैश टू कमीशन कर दिया। क्या करेंगे रेक्टिफाई करने के लिए? जो सही है उसको क्रेडिट कर दो, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए,
और कमीशन जो गलती से क्रेडिट हो चुका है पोस्टिंग में उसको डेबिट कर दो, तो रेक्टिफिकेशन आपकी एंट्री बनेगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, दिस वुड बी योर रेक्टिफिकेशन एंट्री, कमीशन टू सेल्स। कमीशन को हमने डेबिट इसलिए कर दिया क्योंकि हमने वो गलती से क्रेडिट किया था, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए डेबिट हो गया, कर दिया, और जो सही है उसको क्रेडिट किया, सेल्स को क्रेडिट किया, तो एंट्री वुड बी कमीशन टू सेल्स। सो टुडे व्हाट वी डिस्कस, वंस अगेन आई एम रिवाइजिंग सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। दिस इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर एंड इट डील्स विद द रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर्स। द नेम ऑफ द चैप्टर इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी टुक द मीनिंग of accounting error, then I discussed these four types of errors, and thereafter we understood there may be one-sided error or there may be two-sided error. Uska rectification kab hoga? Rectification may be before the preparation of trial balance and after the preparation of trial balance rectification ho sakta hai. Today we took rectification of error before preparation of the trial balance with the help of one-sided error exercise and two-sided error exercise, जिसमें मैंने आपको before the preparation of trial balance error को किस तरीके से rectify करते हैं वो आपको बताया। Now in the next class, that would be our last class for the financial accounting, in which we will take rectification of error after the preparation of trial balance but before the preparation of final accounts, that we will take in the next class. आप सबको असाइनमेंट दे दिया गया है थर्ड एंड फोर्थ गूगल क्लासरूम में, मैंने ऑलरेडी एक महीने पहले अपलोड कर दिया है। जितना जल्दी आप लोग असाइनमेंट सबमिट कर दोगे उतना जल्दी आपका मार्क्स अपलोड हो जाएगा। इट विल टेक ओनली द हाफ आवर, वो एक असाइनमेंट में आधा घंटा ही लगेगा। खाली तीन एमसीक्यू है और दो लाइन के क्वेश्चन है और एक बड़ा क्वेश्चन होता है। विद इन हाफ एन आवर यू कैन कंप्लीट द असाइनमेंट, सो काइंडली सबमिट योर असाइनमेंट सो दैट आई कैन फॉरवर्ड योर मार्क्स टू द एचओडी एंड दे कैन प्रिपेयर योर रिजल्ट। And as sir told, in the March month, you have to appear for the written exam. They will declare the schedule of the exam. And accordingly, you have to manage your time. Daily, two papers will be taken so that exams can be finished as early as possible. And you have not to take leave from your job. So thank you for today's session. Now we will meet in the next class. Thank you.